This movie uncoded by Patchy 87. सुना वो दोबारा उठ गई। मैं देखती हूँ। क्या रियान, चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। Hey, कितने बजे हैं? करीब ढाई। उस आदमी को तो यहाँ एक बजे तक पहुँच जाना चाहिए था। ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। हद हो गई। वापस शिकागो जाने का रास्ता भी तो बहुत लंबा है। हाँ, देखो कौन आया है। आखिर पहुँच गए। Hey, आप लोग कैसी बिजी हैं? हाँ। डैन।
हाय डैन। डैन गिफ्ट, कैसे हैं आप? देर से आने के लिए माफी चाहूंगा, मैं अपना मोबाइल ऑफिस में भूल गया था। आपने शायद कई बार फोन किया होगा। हाँ किया था, 15 बार। उसके लिए माफी चाहूंगा। आइए मैं आपको आपका नया घर दिखाता हूँ। बिल्कुल, मेरे पास चाबी है। तो आपका सफर कैसा रहा? हाँ, हम 2 दिन से सफर कर रहे हैं और घर पहुँचने के लिए बेताब है। हाँ, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आपको ये जगह भी पसंद आएगी। ओ हाँ, मुझे एक बात याद आई। ये तो बहुत बड़ा है। हाँ मुझे याद। हाँ प्लीज। हाँ मैं ला कर दे दूँगी। हाँ प्लीज, वो पूरी है। हाँ सर। और हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर। बिल्कुल, थैंक्स। तो पॉटलक में मिलते हैं। मॉम ये कितना खूबसूरत है। हाँ ये पूरा एक पार्क है, यकीन कर सकती हो। बढ़िया आंगन है ना? वो वही घर है जहाँ 2 कत्ल हुए थे। वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वो इतने पास है। वहाँ कोई रहता तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो घर खाली पड़ा है। उस घर की वजह से ही हम यहाँ का किराया अफोर्ड कर पा रहे हैं। सच में? हाँ, 2 कत्ल रियल एस्टेट का मार्केट खराब करने के लिए काफी होते हैं। हमारे घर के पास भी तो कत्ल हुए थे पर किराया कम नहीं हुआ। चलो सामान खोलने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैं पहले आसपास घूम कर आती हूँ। ठीक है जाओ। खाना बनाने के लिए शुक्रिया। डैडी को बोलना चाहिए, उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया था। पानी उबालो, फिर इसमें नूडल डालो, मसाला डालो। वाह कितने कमाल के डैडी हैं। ये लाइटर देखकर आप डैडी को मिस नहीं करती? हाँ मैं उन्हें मिस करती हूँ। साथ में थी तब भी मिस करती थी। साल में 9 महीने सफर करते थे वो। ये जगह हम दोनों के लिए अच्छी है। आपके साथ रहने की आदत डालने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने तुम्हें सबसे बड़ा कमरा दिया है, अब तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
सब लोग सुनिए, ये है सारा कैसिडी और उनकी बेटी एलिसा। ये हमारे नए पड़ोसी हैं और रीड के घर में रहने आए हैं। नई जगह पे आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक्स। मैंने ये ताज़ा सलाद बनाया है। अरे वाह, थैंक यू। एलिसा, तुम स्विमिंग करना चाहोगी? कमाल का पूल है, बहुत मजा आएगा। हाय। हाय। डैन, वो जेकबसन हाउस, वहाँ कोई रहता है क्या? क्योंकि कल रात मैंने वहाँ लाइट जलती देखी थी। ओह हाँ, वो रायन जेकबसन होगा, उनका बेटा। सच में? तुमने तो कहा वो खाली है। नहीं, वो तो वहीं रहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। गुड, वैसे हमने एग्रीमेंट जो साइन किया है। ये लीजिए प्लीज। थैंक्स। मार्को, फॉलो। मार्को, फॉलो। वो मेरा बेटा टाइलर है, पढ़ाई में अच्छा है, स्टूडेंट काउंसिल में है। उसने और उसके दोस्तों ने ग्रुप शुरू किया है अकाल राहत के लिए। उन्होंने हजारों डॉलर इकट्ठा किए अफ्रीका और तिब्बत जैसे भूखमरी वाले हालात से जूझते देशों के लिए। वो छोड़ो, तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी। टाइलर, मैं तुम्हें एलिसा से मिलवाना चाहती हूँ। एंजॉय करो। हाय। हाय। मॉम को लेकर माफी चाहूंगा, ज्यादा ही तारीफ करती हैं। कोई बात नहीं, मॉम्स ऐसी ही होती हैं। मुझे यकीन है तुम उस तारीफ के लायक नहीं हो। तुम स्विमिंग करना चाहोगी? नहीं, मैं बस देखती हूँ। All right. Whoa. Marco. मार्को। तो आपको ये नई जगह कैसी लगी? अच्छी जगह है। अपने पड़ोसी रायन जेकबसन से मिली हैं आप? नहीं, वो आज आ रहा है। नहीं, वो लड़का वैसे ज्यादा मिलनसार नहीं है। थैंक गॉड, हमें उस घर को जला देना चाहिए। जेनी, क्या? मैंने ये नहीं कहा कि उस लड़के को उसके अंदर होना चाहिए था, पर वो लड़का अब भी वहाँ क्यों रह रहा है? उसकी वजह से हमारे घरों की कीमत कम होगी। सरकार ने उस घर को खरीदने की कोशिश की थी जबकि हम उसे स्टेट पार्क के लिए दान करने वाले थे। असल में हुआ क्या था? मैंने बताया था ना, याद है? उनकी बेटी कैरी एन ने अपने मॉम डैड का कत्ल कर दिया था। हाँ, वो मुझे पता है, पर रायन कहाँ था? वो उनके साथ नहीं था, वो शहर में अपनी आंटी के साथ था। और उनके मरने के बाद कैरी एन का क्या हुआ? उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई थी लेकिन वो डैम में डूब गई। पर उसकी लाश कभी मिली नहीं, तो कुछ लोग मानते हैं कि वो अभी जंगलों में रहती है। क्या बोल रहे? क्या? टाइलर, उसकी बात पर ध्यान मत दो, ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी है। क्या सच में मॉम, ये कहानी? ऐसा सच में कुछ नहीं है। क्यों इन बातों पर भरोसा कर रहे हो? वो जंगल में नहीं रहती, ऐसा कभी होता है क्या? आपने सुना वो लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, हमारे पड़ोसी थोड़े पागल लगते हैं। उसके घर को आग लगा देते? हद कर दी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच आग लगा देंगे। मुझे वो टाइलर ठीक ठाक लगा। पता नहीं, मुझे कुछ खास नहीं लगा। आपको लगता है जंगल में कोई रह सकता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ। अब आ भी जाओ। अच्छा खिलौना है। थैंक्स। बस अपने दोस्तों को भरोसा दिला रही थी कि मैं इतनी भी दुखी नहीं कि खुदकुशी कर लूं। वैसे अगर तुम कोई और जरूरी काम नहीं कर रही हो तो आज स्कूल के बाद हमारे अकाल राहत ग्रुप की मीटिंग है, तुम आना चाहोगी? बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। आज रात को मैं मॉम के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। तुम्हारी मर्जी। जरा एक सेकंड ना। हाय। हाय बेटा, कैसा रहा स्कूल? पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? हाँ, ठीक हूँ।
आज मेरी यहाँ नाइट शिफ्ट लगी हुई है। अभी से? हाँ, आज मेरा यहाँ पहला दिन है इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकती। मुझे आने में काफी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी टाइलर ने मुझे अकाल राहत ग्रुप के लिए बुलाया है तो मैं आपसे सीधे घर पर ही मिलती हूँ। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बस कुछ उल्टा सीधा मत करना। बाय बाय। तो अब हम चल सकते हैं। कूल। Hey, Tyler, कैसे हो? तो ये है अकाल राहत ग्रुप। हाँ, पिछले साल हमने अफ्रीका में भुखमरी मिटाने के लिए $1200 दिए थे, पर वो सीधे मेरे डैड के क्रेडिट कार्ड से आए थे, ना कि पार्किंग लॉट्स में लोगों से भीख मांगकर चंदा इकट्ठा करने से। हमारे कॉलेज फॉर्म पर दिखता है कि हमने समाज सेवा की है। वाओ, मतलब तुम्हारी मॉम ऐसे ही तारीफ नहीं कर रही थी। कोई है अंदर? ओह आई एम सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। तो मैं यही इंतजार करती हूँ। तो तुम यहाँ हो? हाय। हाय। तुम बहुत हसीन हो। कोई फायदा नहीं है। मन कर रहा है तुम्हें किस कर लूं? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार। यहाँ नहीं। यहाँ प्लीज। टाइलर छोड़ो मुझे। क्या हुआ? टाइलर रुक जाओ, हटो मुझ पर से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लिफ्ट चाहिए? नहीं, मेरा घर बस यहाँ पास में ही है। नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। देखो, लगता है बारिश आने वाली है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। तुम्हारा घर 15 किलोमीटर दूर है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, सच में मैं ठीक हूँ, मैं अपनी मॉम का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। का खून हुआ था ना? I'm sorry, वो बस लोग ऐसे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, मैं बस चुप रहती हूँ। कोई बात नहीं,
तुमने वही कहा जो तुमने सोचा। वैसे भी कोई मेरे बारे में क्या सोच सकता है, यही कि मैं अब भी उस घर में क्यों रहता हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स का कत्ल हुआ था। हाँ, तो उस घर में क्यों रहते हो जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल हुआ था? 7 साल की उम्र में मुझे पेरेंट्स ने दूर भेजा, मेरे पास अब रहने के लिए सिर्फ वही घर बचा है, लेकिन वहां रहना वाकई बहुत मुश्किल है। मैं उसकी मरम्मत करके उसे बेच दूंगा। मैंने आज सुबह तुम्हें गाते हुए सुना। तुम इतनी दूर अपने घर से मेरी आवाज सुन सकते हो? अच्छा गाती हो। तुम किसी बैंड वगैरह में हो क्या? हाँ, पहले जब शिकागो में थी, मेरे डैड एक रॉक बैंड में थे। जरा तुम्हारा कलेक्शन देखूं। तुम अभी कैसेट सुनते हो? लगता है थोड़ा नया म्यूजिक ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास भी ऐसा ही एक था। हाँ, ये मेरे डैड का था और ये कार भी। तुम और तुम्हारी मॉम वुडशायर में ही रहोगी? लगता तो है। यहाँ कितना सन्नाटा है, शिकागो में ऐसा नहीं था। सूरज उगने से पहले और भी होता है। इतनी सुबह? तुम इतनी सुबह सुबह क्या करते हो? मैं बाहर बैठता हूँ और कुछ लिखता हूँ, जैसे कहानियां। बहुत आसान है, पता नहीं, मेरे ख्याल से दिन के उस वक्त जब सब सो रहे होते हैं तब जहन में बहुत से अच्छे ख्याल आते हैं। मॉम का फोन है, मैं चलती हूँ। थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। या, यू वेलकम। हाय, क्या टायलर की मॉम ने तुम्हें यहाँ छोड़ा? नहीं, मुझे रायन जेकबसन छोड़ने आया था। रायन जेकबसन? वो तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ने आया था? किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी तो मैं पैदल चलने लगी, उसने मुझे देखा और लिफ्ट दे दी। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, मैं आ जाती।
प्लीज। आराम से, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो कैरियन? मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सुनो, हमारे पड़ोस में नए लोग आए हैं। उस लड़की का नाम है एलिसा। वो और उसकी मॉम अभी अभी रीड के घर में रहने आए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें परेशान मत करो। हाँ, मैं लीसा हूँ ना। हाँ। हाय, मैं जिलियन हूँ। हे, कल रात मुझ पर कंबल डालने के लिए थैंक्स। ओह, कोई बात नहीं। मैं ज्यादा पीती नहीं हूँ और मैंने केटलिन की टॉवल पर उल्टी कर दी और वो बहुत नाराज हुई। कौन है वो लोग और तुमने उनके साथ दोस्ती क्यों की? मुझे नहीं पता। I mean, I used to go out with Tyler, but he's kind of a dick. He's worse than a dick. He's a dickhole. Dickhole is the new asshole. जेक, एलिसा, ये मेरा भाई जेक है और वो उसका जिगरी दोस्त रॉबी। और दोस्तों, ये है एलिसा। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, तुम बैंड में थी ना? तुम्हें कैसे पता चला? गूगल, हर जानकारी मिल जाती है वहाँ, सब कुछ ऑनलाइन है। वैसे कुछ दिनों में बैंड्स का कंपटीशन होने वाला है, तो क्या ख्याल है, हमारे साथ गाओगी? तुम बेसुरे निकले तो? बिल्कुल भी नहीं। लो, इसमें हमारे गाने हैं, सुनो, पसंद आए तो कल हमारे पास आना प्रैक्टिस के लिए। ओके, कूल। कूल, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। बाय। वो तुम्हें पसंद करता है, देखते हैं गाता कैसा है। जरा सुनिए ऑफिसर। hey, क्या मैं कहीं साइन करना भूल गया? ओह, नहीं नहीं, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती थी। मैं सारा हूँ, सारा कैसिडी। बिल वीवर, क्या पूछना है? मैं हाल ही में अपनी 17 साल की बेटी के साथ यहाँ रहने आई हूँ। हमने सिकमोर लेन में किराए पे घर। और आप जानना चाहती हैं कि क्या आपको देखकर लगता है कि आपकी 17 साल की बेटी हो सकती है? मैं कहूँगा नहीं। मुझे आपसे पूछना था रायन जेकबसन के बारे में। एक रात उसने मेरी बेटी को घर छोड़ा था। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि क्या आप उसके बारे में कुछ भी जानते हैं? क्या वो अच्छा है? हाँ, ये पता चलना कि तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल हुआ है और वो भी तुम्हारी बहन ने किया है, ये बहुत हैरानी की बात है। आप सोचेंगे लोगों को उसकी तरफ थोड़ी हमदर्दी दिखानी चाहिए, है ना? You know, I drove 3 hours upstate personally to tell Ryan. वो अपनी आंटी के साथ रहता था, वो थोड़ा सटिया गई थी। रायन का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, बल्कि वो ही आंटी का ध्यान रखता था। खैर, वो उनके साथ वापस यहाँ आ गया, लेकिन 1 साल पहले उनकी मौत हो गई। उस लड़के ने काफी बुरा समय देखा है। देखिए, मुझे उससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही किसी और की हुई, लेकिन लोग उसके बारे में बुरा कहते हैं और यहाँ की घटती प्रॉपर्टी वैल्यूज के बारे में भी। हाँ, मैंने सुना है, लोग ऐसा कहते हैं। जैक्सन स्ट्रीट पे चोरी हो रही है, ओवर। ठीक है, आई एम सॉरी, जाना होगा। थैंक्स ऑफिसर। अरे नहीं, आप मुझे बिल कहिए। ठीक है, बिल फिर मिलेंगे। हाँ। Thank you.
Hey. मैंने तुम्हारे लिए सीडी बनाई है. Wow, thank you. Oh, ये तो मेरी साइट है. हाँ, मैं तुम्हारे कुछ और गाने सुनना चाहता था. ये अजीब तो नहीं है ना? नहीं, तुम्हें गाने अच्छे नहीं लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे तो बहुत पसंद आए. सही जवाब. ओ, खाने की चीजों की दुकान लगा रखी है? हाँ, मुझे शहर में ज्यादा जाना पसंद नहीं. वाओ, बड़ा घर है. ऊपर क्या है? घर के इस हिस्से की मरम्मत कभी खत्म ही नहीं हुई, इसलिए यहाँ कोई दीवार नहीं है. लेकिन वापस आने के बाद मैं यहीं रहने लगा, पर जगह छोटी लगने लगी. शुक्र है तुम नींद में नहीं चलते हो. ये फैमिली फोटो है? हाँ. रायन, तुम कितने क्यूट हो. और वो कैरी एन है. वाह, उसकी आंखें कितनी नीली हैं. तुम्हारी फैमिली बहुत खुश लग रही है. अच्छा समय रहा होगा ना? सब लोग साथ में थे, मॉम डैड के साथ. कैरी एन फैमिली की जान थी, लेकिन एक हादसे के बाद सब बदल गया. क्या इसी वजह से तुम्हें भेज दिया गया था? मैंने इस बारे में पहले कभी किसी से बात नहीं की है. यहां क्या है? मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह यहां. कोई बात नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. मैं बहुत वक्त से यहां अंदर कभी नहीं आया. मुझे लगा था वो 13 साल की थी, पर ये तो किसी बच्चे का कमरा लगता है. उसका ब्रेन डैमेज हो गया था. हम बस खेल रहे थे, जैसे कि हम और बाकी दिन खेलते थे. भाग रहे थे, खेल रहे थे. उसे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था. मेरे मॉम और डैड अंदर थे. मेरा काम उसका ध्यान रखना था, लेकिन वो और ऊपर जाना चाहती थी. जब वो उठी तो बिल्कुल अलग थी. वो हर वक्त बस चीखती रहती, हम पर हमला करती और चीजें तोड़ती. इसलिए सारी खिड़कियां बंद की गई हैं. हाँ, उसे पता ही नहीं था कि वो कहां थी. वो जंगल में भाग जाती थी, लोग उसे वापस लेकर आते. अब शहर के लोगों को यहां आने से रोका जाता है. इस कमरे में आना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता. तो थैंक यू, और आई होप तुम्हें सीडी अच्छी लगेगी. हाँ, थैंक यू. बाय बाय.
एलिसा, यहाँ आकर मेरी मदद करो, मुझे काम पर जाना है। हे, ओह थैंक्स। कैसा रहा स्कूल? ठीक ही था। आपका काम कैसा? हाँ ठीक है, मुझे पता नहीं, रात की शिफ्ट काफी मुश्किल होती है। मुझे हॉस्पिटल पसंद है, वहाँ का माहौल। स्कूल के बाद तुमने क्या किया? वो मैं रायन के घर सीडी देने गई थी, और वो सच में काफी अच्छा है और उदास है और बहुत ही अकेला है। पता है इतने बड़े घर में वो अकेला रहता है, पर्दे ढके हुए थे। तुम उसके घर गई थी? ऐसा तो नहीं है कि हमने ड्रग्स दी और बहुत मजे किए। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। क्या? तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसा है, तुम यही कर रही हो। तुम्हें लोगों का दुख बांटना पसंद है। प्लीज रहने दीजिए। एलिसा, हम सबका दुख नहीं बांट सकते।
सॉरी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम अंदर कैसे आई? तुमने आगे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। Wake up to looking and I stay that way. I break a couple hearts almost every day. Behind the scenes I'm better than I am on stage. Pick a book you like and I'm your favorite page. If you don't know, you're gonna know that I'm that girl. Hey. Hmm. Achhi khushbu hai. कौन आया होगा? मॉम चल क्या रहा है? हाय। हेलो रायन। हाँ हमें लगा कि हमें एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ओके मैं अपनी आयरिस आंटी के साथ रहता था, लेकिन जब मैं 18 साल का था तब उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, फिर उनको हॉस्पिटल में रखा गया और मैं वापस आ गया। काफी बड़ा घर है तुम्हारा। मेरा मतलब बिल वगैरह चुकाने में काफी दिक्कत होती होगी। जरूरी नहीं कि तुम इसका जवाब दो। मेरे पेरेंट्स को ये घर विरासत में मिला था और कुछ पैसे भी, तो उनके जाने के बाद सब मुझे मिल गया। बहुत ज्यादा तो नहीं है पर काम हो जाता है और मैं ब्रिजपोर्ट कम्युनिटी पार्ट टाइम कॉलेज जाता हूँ। मैं जानता हूँ वो दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि डॉक्टर बन सकूँ। मैं साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता हूँ। जब मेरी मॉम ने डैड से डिवोर्स लिया तब वो भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी। मुझे खाने पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस कैसिडी। कुछ मीठा हो जाए। हाँ जरूर। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप लोग वो पहले इंसान हैं जिन्होंने उस हादसे के बाद मुझे घर बुलाया। कम ऑन। माफ करना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रायन, एलिसा ने अभी अभी नया स्कूल ज्वाइन किया है और मैं चाहती हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ाई करे, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। यह अभी स्कूल में है और तुम कॉलेज में हो। मॉम आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे ख्याल से रायन समझ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम पड़ोसी हैं और मैं चाहती हूँ कि हम दोस्त बनकर रहें, लेकिन मेरा एक रूल है जिसे मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मानो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों अकेले मिलो, तुम्हारे घर में या यहाँ पर। अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो। आप यहाँ कभी नहीं होती। लेकिन मैं अभी यहाँ पर हूँ। रायन, क्या तुम समझ रहे हो? हाँ। थैंक यू। मुझे चलना चाहिए। नहीं रायन, नहीं नहीं रायन, नहीं नहीं नहीं, तुम रुक सकते हो। प्लीज। तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे पास फिक्र करने वाली माँ है। रायन सच में कोई बात नहीं, तुम रुक सकते हो। प्लीज। डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा मतलब मैंने कहा था वो रुक सकता है। नहीं, आपने उसे बुलाया इसलिए ताकि उसे बेइज्जत करके निकाल सकें। बेटे, मुझे तुम्हारी चिंता है। ओ, क्या बात है, आखिर इतने सालों बाद आप अच्छी मॉम बनना चाहती हैं। आपने हाई स्कूल में जो गलतियां की थी जरूरी नहीं कि मैं भी करूंगी। हाँ, क्या कहूँ, कल रात मैंने उसे घर पे बुलाया और मैंने उसे ये कह के बाहर निकाला कि वो एलिसा से अकेले में नहीं मिलेगा, इसलिए एलिसा मुझसे बात नहीं कर रही है। और मुझे यकीन है कि रायन को लगा होगा कि बाकी लोगों की तरह मैं भी उसे पसंद नहीं करती। रायन समझदार लड़का है, मुझे यकीन है वो समझ गया होगा।
मैं जानती हूँ कि मैं उसे लड़कों से दूर नहीं रख सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी गलतियाँ दोहराए गलत लड़की को चुनकर। वो अभी ऐसे बिहेव करती है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। माए भी ना, वो बस नशे में बोलती जा रही थी और उसे सुना रही थी और वो बस खामोशी से सुनते जा रहा था। बताए वो उसके साथ इस तरह बात कर रही थी जैसे वो कोई शैतान हो। वो हमेशा परेशान लड़कों को चुनती है और उनकी मदद करने में जुट जाती है। तो मेरे ख्याल से मुझे फिक्र है कि रायन भी वैसा ही एक लड़का है। हे, यहाँ आने के लिए थैंक्स, और जो कुछ मेरी मॉम ने कल रात कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, तुम उनकी बात का बुरा मत मानना, उन्हें अक्सर इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। ये मेरी दोस्त है जिलियन। हाय। तो तुम हमें घर छोड़ दोगे क्या? मेरे ख्याल से हम ऐसा नहीं कर सकते, याद है ना? नहीं, मेरी मॉम ने कहा था हम अकेले नहीं रह सकते, पर हम अकेले नहीं हैं। हाँ ठीक है। लगता है जैसे मैं अच्छी मॉम बनने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं शायद अच्छा काम नहीं कर रही हूँ। सारा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की की परवरिश कर रही हो जो सबकी फिक्र करती है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, घर छोड़ने के लिए थैंक्स रायन। बाय बाय गाइस। मैं दोबारा बता दूं, हमें अकेले रहना मना है। Hey, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज भी मुझे लेट शिफ्ट दी गई है। मुझे लगता है कि मैं 11 बजे से पहले लौट नहीं पाऊंगी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं। एलिसा, हमारी कल वाली बात तुम्हें याद है ना? हाँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं? मैंने घर के फोन की सारी कॉल्स अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड कर ली है। काफी शातिर हो तुम। अभी तो मुझे ठीक से जानते कहा हो। दरअसल ये घर मेरे परदादा का था, इसलिए इसे बेचने के बारे में सोचने पर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और इसकी मरम्मत भी करनी पड़ती है। मुश्किल काम है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, यहां बैठ जाओ। मुझे अपने बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं। मुझे याद है मेरी मॉम यहां बैठकर मुझे बता रही थी कि हर चीज का एक राज होता है। पहले तो मैं उसे नहीं देख पाया, लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा। क्या देखा? देखो मैं दिखाता हूं। देखो, ओह माय गॉड, ये तो एक चेहरा है। मुझे भी दिख रहा है। लोग अपने आसपास के राजों पर गौर नहीं करते जबकि वो उनके ठीक सामने होते हैं, छुपकर ढूंढे जाने का इंतजार करते हैं। मुझे पसंद है जिस तरह तुम चीजों को देखते हो, जिस तरह तुम मुझे देखते हो।
तो हम यहीं शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना? क्या हुआ? हे भगवान! क्या? मुझे बाहर एक लड़की नजर आई। रे, सच में? कैरियन इस समय बाहर है? ओके, मैं जाकर देखता हूँ। रे, कोई है यहाँ पर? कोई है? सामने आ जाओ। नहीं नहीं एलिस, चलो चलकर कैरियन इनको ढूंढते हैं। तुमने कहा था यहाँ पर कोई है, चलो चलकर ढूंढते हैं। कैरियन बाहर आ जाओ, देखो एलिस तुमसे मिलना चाहती है, यहाँ पर भी हो बाहर आ जाओ। देखा, कोई नहीं। घर जाना है, प्लीज कार में वापस आ जाओ, चलो जल्दी यहाँ से चलो। हाँ ठीक है। कैरियन, कैरियन, ओ गॉड, ओ कैरियन, होश में आओ कैरियन, होश में आओ कैरियन, होश में आओ कैरियन, कैरियन। क्या हो गया था, सब ठीक चल रहा था और फिर अचानक से वो चिल्लाने लगा। क्या मतलब चिल्लाने लगा? अच्छा मैं अभी रखती हूँ। रुको एलिसा, मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने रायन के साथ जो भी बर्ताव किया है, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हारी देखभाल करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम ये जानती हो ना? हाँ। काश तुम भी कभी मुझे अपने दिल की बात बता सको,
ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक है, बता दूंगी। मैं तुम्हारे शो के लिए कुछ लाई हूं। थैंक यू। मेकअप किट है। मैं अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही हूं, पता है? पता है। Coffee? Boy, you're really working that whole rebel without a cause thing pretty hard over here, huh? On the house. Okay, I'm not that hungry. Come on, I'll throw in a glass of milk. Hello? Alyssa, it's me. I want to see you. I don't know. I don't really understand. What happened the other night? I'm really, really sorry about that. Anne, are you okay? You don't sound so good. Look, I just need to see you, okay? There's some things I need to tell you. What? I'll tell you later, okay? Promise? Come on, were you gonna play or what? Okay, I gotta go. I'm doing Battle of the Bands at school. You should come. Okay. Okay. Bye. What? Nothing. जरा देखो तो, लगता है कि चूहा बिल में से बाहर निकल आया। सुना है चूहा बड़े मजे कर रहा है लिसा के साथ। सच में? तुम्हारा उसके साथ चक्कर है? I guess it's official. She will screw anyone. अकड़ दिखा रहा है। हाँ, मैं आना चाहता था, इसलिए आ गया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आए। हाँ, मैं भी। सुनो, वो तुम्हारी कार तोड़ रहे हैं। यो, तेरी बारी। क्या कर रहे हो?
वो बस एक ही जगह जा सकता है, चलो चलो। रायन, रायन, मैं घर पर हूँ। तुम रायन के साथ नहीं हो? नहीं। टायलर को यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है, क्या उसकी और रायन की लड़ाई हुई थी? क्या उस समय तुम वहाँ थी? मॉम, वो खुद को बचा रहा था, छह लड़के उसे मार रहे थे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम घर पहुँचो। मैं घर पर ही हूँ, यकीन नहीं आता तो फोन कर लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। हे, ओ हाय, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हो गया यकीन, बाद में बात करती हूँ। देखो, मुझे वो रायन जेकबसन से लाखों के पीछे देखो, चाहिए। शांत हो जाओ बॉनी, मैं पहले टायलर का बयान लूंगा और फिर मैं रायन का बयान लूंगा, और मैं वहाँ मौजूद हर एक से पूछताछ करके पता लगाऊंगा कि क्या हुआ था। आपका बेटा और उसके दोस्त सालों से रायन को परेशान करते आ रहे हैं और आपने ऐसा होने दिया। चुप रहो तुम। अब सुनो, अगर मुझे पता चला कि सब की शुरुआत टायलर ने की थी तो सलाखों के पीछे वो नजर आएगा। सुना तुम क्या कह रहे हैं? आप हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। चलते हैं यहाँ से। अब उस जानवर से, उस जानवर का नाम रायन है, उसके नाम से मुझे कोई मतलब नहीं। अब उसके साथ मेरा पति बात करेगा। अब निकलो यहाँ से, चले आते हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मैं जाकर जरा रायन को देखता हूँ और तुम्हारे घर पर रुककर एलिसा को भी देख लेता हूँ, फिर तुम्हें फोन करूंगा। हाँ, हाँ, देखना कि वो वही है। ठीक है, मैं फोन करूंगा। ओके ओके।
जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ, जाओ निकलो यहाँ से। एलिसा प्लीज यहाँ से चली जाओ, तुम उसे डरा रही हो, प्लीज जाओ यहाँ से, ऊपर मेरा इंतजार करना। किरियान प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एलिसा उनसे कुछ नहीं कहेगी, वो दूसरों की तरह नहीं है, शांत हो जाओ। सब ठीक है, सब ठीक है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। वो हमारी मदद करेगी। तुम अच्छी बच्ची हो, तुम ठीक हो। वादा करो कि तुम कैरियन के बारे में किसी को नहीं बताओगी। ये तुम्हारा है? हाँ। वादा करो तुम कैरियन के बारे में किसी को नहीं बताओगी। मुझे जाना है, मेरी मॉम का फोन आया था। कर रहे हो? कैरियन उस दिन झूले से गिरकर मर गई थी। हो गया। वो मेरी गलती थी। हम हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रायन, अगर कैरियन मर चुकी है तो तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा? मुझे कैरियन चाहिए। मैं तुम्हें और कैरियन को नहीं रख सकता, लेकिन तुम कैरियन बन जाओ तो? नहीं नहीं रायन, प्लीज नहीं रायन। रायन तुम क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो रायन? नहीं प्लीज, प्लीज रायन, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज उसे कुछ मत करो, प्लीज। जितना चाहो चिल्लाओ, नहीं, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वो बाकी की सारी जिंदगी लगड़ा कर चलेगा। सारा, मुझे जरा MRI लाके देंगे प्लीज?
हेलो, मैं सारा बोल रही हूँ। मैंने अभी घर पे फोन किया था, उसकी कॉल मोबाइल पे चली गई, मतलब वो कॉल फॉरवर्ड कर रही थी। मेरे ख्याल से ओरियन के साथ है, क्या तुम पहले वहाँ जाओगे? ठीक है, ओके। रायन, प्लीज मुझे छोड़ दो। कैरियन की मौत में तुम्हारी तो गलती नहीं थी ना, वो एक एक्सीडेंट था। वो मेरी ही गलती थी, इसलिए उन्होंने मुझे सजा दी। उन्होंने तुम्हें सजा दी? मैंने उन्हें रोका था। उन्हें रोका था? क्या मतलब तुमने उन्हें रोका था? रायन, Ryan, Ryan, hey, hey, मैं अंदर आ जाऊं? मैंने देखा तुम्हारी खिड़की का कांच टूटा हुआ है। बच्चों की शरारत और कुछ नहीं। मैंने सुना तुमने टायलर की टांग तोड़ दी, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैंने बस अपना बचाव किया था। I'm gonna do my best to get this to blow over, but you need to stay out of trouble, you hear me? You ever get tired of playing the tough guy? मैं चाहता हूं कि कल सुबह तुम सबसे पहले पुलिस स्टेशन आओ और अपना बयान दे दो, ओके? देखो, मैं अपनी तरफ से मामले को शांत करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें हर मुसीबत से दूर रहना होगा। वैसे तुमने एलिसा को तो नहीं देखा, देखा है क्या? हाँ, मैंने उसे बैंड्स के कॉम्पिटिशन में देखा था। वो वहां नहीं है? नहीं, ना, उसकी मॉम को लगा कि वो घर पर है, लेकिन वो वहां भी नहीं है। वो यहां भी नहीं है। ठीक है, कल सुबह पुलिस स्टेशन में मिलते हैं।
Stopped all this a long time ago. But you didn't. You knew. It's done. I don't think you have a choice but to go along with this, Bill. मैंने तुम्हें बचाया था नहीं तुम भी बाकियों जैसे ही हो You protected yourself, even though you did what you did to me. Ah!
है मिसेस कैसिडी? मैं एलिसा को ढूंढ रही हूँ, वो यहाँ है? नहीं तो? वो घर पे नहीं है तो मुझे लगा कि शायद वो यहाँ पर होगी। वो यहाँ नहीं है मिसेस कैसिडी। अगर वो यहाँ है तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी। एलिसा, मॉम, बचाओ! एलिसा, मॉम, एलिसा, एलिसा! तुम मेरी हो लेकिन मुझे कैरियन चाहिए। माफ करो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता एलिसा। Thank you.
अलिसा, अलिसा, हे, हे, मेरी पूरी पैकिंग हो गई है। तुम क्या देख रही हो? आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो एक पेड़ दिख रहा है। क्यों? कुछ नहीं। चलने के लिए तैयार हो? This movie uncoded by Patching 87. मोमबत्तियां बुझाने के लिए तैयार हो जाओ बेबी। कुछ मांगो, कुछ विश करो कैरियन। मेरा नाम कैरियन नहीं है, रायन है। तुम वही हो, तुम कैरियन हो। तुम्हारा नाम कैरियन है, तुम्हारा नाम कैरियन है, तुम्हारा नाम कैरियन है। We'll be right back.
Thank you.